अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अगर अगरचे स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्टेज पे सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए ये फोर्स ही करना मुश्किल है कि अगले कुछ सालों में उसका वेंचर जो है वो कहाँ होगा इन अदर वर्ड्स कितनी एक्सपेंशन होगी कितनी ग्रोथ होगी लेकिन बहरहाल उसे ये अटेम्प्ट करने की ज़रूरत होती है ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है कि इन थ्री इयर्स टर्म में भी हम कहाँ खड़े होंगे क्या कर रहे होंगे आ, कितने हम एक्सपेंड करेंगे और करेंगे या नहीं करेंगे ये इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने जो उसके साथ स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें बेनिफिशरीज़ हैं जिसमें उसकी टीम है जिसमें वॉल्टियर्स हैं डोनर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर सके और ये कम्युनिकेट करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है डोनर ने सिर्फ उसी एक वेंचर को उस लिमिटेड टाइम के लिए फंड करने का सोचा हो या वॉल्टियर्स की टीम जो है उसने अपना टाइम इस तरह प्लान किया हुआ हो कि ये इतने अर्से में ये वेंचर ख़त्म हो जाएगा तो हम कहीं और कुछ और एक्टिविटीज़ में अपना टाइम देंगे इसी तरह बेनिफिशरीज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि कितना अरसा हमें कोई सर्विस जो है वो मिलेगी और करंट स्टेटस में यानी उन्हीं रेट्स पर उसी तरह से उसी क्वालिटी में मिलेगी तो जो मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने प्लान्स होते हैं और उनको जहन में रखते हुए सोशल एंटरप्रेन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो अपनी ग्रोथ को फोर सी करे और उनके साथ शेयर करे इसी स्टेज पर वो लोग जो उस एक्सपेंशन को या उस सारे जो उसका फोर सी वो कर रहा है उस फोर साइड के साथ एग्री करते हैं दे वुड स्टिक विद देंचर और जो नहीं करते वो शायद ड्रॉप आउट हो जाएं या अलग हो जाएं और ये ज़रूरी है ये एक तरह से रियलिटी चेक है ग्रोथ स्ट्रेटजी जो के देती है सारे स्टेक होल्डर्स को जो किसी सोशल वेंचर में इन्वॉल्व हैं या पोटेंशली इन्वॉल्व होंगे ग्रोथ स्ट्रेटजी में अहम चीज़ जो है वो ये देखना है कि इस सोशल बिज़नेस या इस सोशल एंटरप्राइज का पोटेंशल क्या है टारगेट बेनिफिशरीज के लिए और उनके अलावा किसी और बेनिफिशरीज़ के लिए वो लोग जिनको जहन में रख के जिनकी ज़रूरत या जिनके मसले को जहन में रख के आप वेंचर लॉन्च कर रहे हैं क्या किसी उनके अलावा किसी और के लिए भी उसका फ़ायदा हो सकता है ऑफकोर्स दिस वुड लीड टू ग्रोथ अगर देयर आर अदर ग्रुप्स आउट देयर जिनकी उसी तरह की ज़रूरत है या जो उसी तरह की सर्विस में इंटरेस्टेड हैं या उनकी डिमांड है उस प्रोडक्ट की तो इस सोशल एंटरप्राइज का पोटेंशियल है ग्रो करने का ये आपको हेल्प करता है अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी डेवलप करने में कि अगर पोटेंशियल है तो यस वी एक्सपेक्ट के हम ग्रो करेंगे तीन साल में एक्सपेंड करें पाँच साल में एक्सपेंड करें या जितने भी टाइम फ्रेम और रिसोर्स में हम एक्सपेंड करें इसी तरह रेप्लिकेशन है एक बहुत अच्छा सोशल वेंचर एक बहुत यूनिक आइडिया एक बहुत ही इनोवेटिव एंटरप्राइज जो है मूमन लोग उसको रेप्लिकेट करना चाहेंगे इंडिविजुअल्स ऑर्गनाइजेशनस कम्यूनिटीज़ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अटेंटिव होते हैं जब कोई सोशल वेंचर जो है वो कुछ नया करता है और उसमें कामयाब रहता है और वो उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं रेप्लिकेशन अगेन मीन्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ वो आपके वेंचर की डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं भी है अगर लेकिन उस मॉडल की वो एक्सपेंशन तो है ना जैसे ग्रामीण के बाद बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के प्रोजेक्ट जो है वो मुख्तफ़ जगहों पर उसको रेप्लिकेट करते हुए मॉडल को किए गए तो हम कहते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर की ग्रोथ है तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजी में आपके आ जाता है कि आपके ग्रो करने के रेप्लिकेशन के हवाले से क्या चांसेस हैं फिर ये बात भी यहाँ है ग्रोथ स्ट्रेटजी के हवाले से कि क्या आप एज अ इनोवेटिव सोशल एंटरप्रेन्योर रेप्लीकेट करने में इंटरेस्टेड भी हैं उसमें कॉपीराइट्स के इशू हैं पेटेंट के इश्यूज हैं अगर आप अपनी एफ़र्ट अपने इनोवेशन को रेप्लीकेट करने की इजाज़त देते हैं तो वो होगी अदरवाइज़ देर आर लीगल एम्प्लीकेशन अगर कोई और करना चाहे तो आप उसको सू कर सकते हैं यूजुअली चूँकि लोग सोशल गुड के लिए काम करते हैं दे आर मोर देन हैप्पी के दूसरे लोग जो हैं उसी तरह की एफ़र्ट किसी और जगह पर किसी और लोकेशन पर दुनिया के किसी और मुल्क में या किसी और टारगेट पॉपुलेशन के लिए उसी तरह की एफ़र्ट करें जो आप खुद नहीं कर सकते ये भी आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है मैं आपको उसकी एक मिसाल दूंगी। पाकिस्तान में एक नॉट फॉर प्रॉफिट औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है ओ पी पी एक जमाने में यह कराची के इलाका औरंगी में वाक़ है एक जमाने में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये इतना कामयाब हुआ कि बहुत सारा टाइम ओ पी पी मैनेजमेंट का रेप्लिकेशन के हवाले से आने वाली जो रिक्वेस्ट थी उनको रिस्पोंड करते हुए गुजरता था अभी कहीं से कोई विजिट करने आ गया कि देखें तो सही आपने कैसे मैनेज किया कभी कहीं से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट आ गई कि हम आपके जैसा काम करना चाहते हैं प्लीज़ हमारे स्टाफ को ट्रेन कर दें सर्टन स्किल्स जो इस काम को करने के लिए ज़रूरी हैं तो बाकायदा उन्हें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा कि ये जो इनडायरेक्ट ग्रोथ है इसको किस तरह से मैनेज करना है इसको कैसे साथ लेकर चलना है फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है उसमें यह कंसिड्रेशन भी शामिल है कि अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम जो है उसकी अर्जेंसी इस तरह की है कि आप स्पीड से रिस्पोंड करना चाहते हैं तो उसको क्वालिटी से बैलेंस करना जो है वो बेहद ज़रूरी है खाली ग्रोथ जो स्पीड से आप ग्रो करते हैं या रिस्पोंड करते हैं वो एक से तक तो चल सकता है लेकिन अगर प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी वो ना रहे जो कि उसके इंट्रोड्यूस कराने पर थी तो प्रोबेबली ये एक्सपेंशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो जो तो बिजनेस की दुनिया है वहाँ पर इस ग्रोथ या एक्सपेंशन को स्केलिंग अप कहा जाता है हर बिजनेस जो कोई भी शख्स शुरू करता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उसका अल्टीमेट एम जो है वो मार्केट कैप्चर करना अपने बिजनेस को बढ़ाना कि सिर्फ मैं हूँ जो इस सारी मार्केट को कैप्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज कर सके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसका पर्पस एक तो सोशल इम्पेक्ट है जाहिर है उसका एक पर्पस जो है वो एक्सेस रेवेन्यू जनरेट करना हो सकता है जहाँ पर फॉर प्रॉफिट या हाइब्रिड मॉडल शामिल हो जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल वेंचर्स अपने रेवेन्यूज खुद जनरेट करते हों ताकि वो अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर सकें दोनों में एक लिहाज से फर्क है एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हैं दोनों लेकिन अल्टीमेट एम फर्क है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना आसान है उसके लिए आप एक रूथलेस किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं मिशन को अचीव करना सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करना और उसको सस्टेनेबल तरीके से लेकर चलना जो है वो एक वर्क उसमें कोऑपरेशन का एलिमेंट शामिल होता है उसमें आप अपने कंपेटिटर्स को भी बाजूक साथ ले चलते हैं जैसे हमने ग्रोथ और एक्सपेंशन के हवाले से ट्रेनिंग और एप्लीकेशन की बात की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की कुछ बिज़नेस एंटरप्राइज से मिलती जुलती और कुछ स्पेसिफिक टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं वो की जाती हैं जैसे फ्रेंचाइजिंग है जो बिज़नेस की दुनिया में भी होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी है कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हैं जैसे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आप जो काम यूनिक इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं आप उसके लिए लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं उसको लोगों को सिखाते हैं और उसको रेप्लिकेट करने में आप अपनी इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम ये जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं स्पेसिफिक इनके बारे में अगले किसी मॉड्यूल में डिटेल से बात करेंगे थैंक यू